भी कर लो, पूरी तो वो गिन के ही देखे। कहाँ से निकल चुके और अभी हम जा रहे हैं, वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा और हम कहाँ पे जा रहे हैं। Stay tuned, और गाइस आपको एक बात शेयर करती हूँ, मैं, मेरा एक भाई है और एक बहन है, हम तीनों एक साथ कहीं भी जाते तो साथ में जाते, एक ही रोड पे हम चार बार तो चले ही जाते, मतलब हमें वही वे होता है ना अपना जाने का रोड, तो फिर है ना तो भी नहीं याद नहीं रहता है, मतलब चार बार जाके भी एक इंसान कैसे क्या भूल सकता है, सोच सकते हो, मतलब इनका ऐसी सिचुएशन है जैसे रजनी पा वैसे। और मैं इतनी टैलेंटेड लड़की ना, कम से कम 100-200 सालों में एक लड़की ऐसे पैदा होती है जो बहुत टैलेंटेड होती है, अपनी माँ बाप की एकुलती एक जो मैं हूँ। तो गाइस जहाँ पे हम आने वाले थे वहाँ पे पहुँच गए हम, ये देखो। मैं ड्रेस क्यों पहन के आई हूँ मुझे नहीं पता, मैंने सोचा था मैं एक रील शूट करूंगी इस वजह से मैंने ड्रेस पहना। तो गाइस हमें तो पता भी नहीं टिकट का, तो शॉपिंग का ही देखो बहुत सारा, आप लोग आ सकते हैं अगर आप पुणे से हो तो, बट हमें तो शॉपिंग नहीं करनी है, मतलब झूले खेलने जाना है। बहुत बेस्ट है, अगर आप पुणे से हो तो आप पक्का आना, ये है गोलीबार मैदान, हमने लोकेशन लगा के आए, यहाँ पे स्टॉल्स लगे बहुत सारे हैं, और पुणे से तो पक्का आना, मतलब पक्का आना, बहुत बेस्ट है। मैं तो शॉपिंग नहीं करना है मुझे, तो बस झूले खेलना है, मुझे मस्ती वाले काम ज्यादा पसंद है। गाइस ये पूरा सेक्शन है झूलों का, अभी शायद से यहाँ पे इतनी तेज बारिश गिरी थी इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, झूलों में बैठेंगे फिर आप रिएक्शन देखना। वैसे तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता, मतलब जरा भी नहीं लगता, मैं बस स्ट्रांग हूं। जैसे स्टार्ट होता है ना हम झूले में बैठेंगे, आपको सब 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 दिखाएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये तो इतने छोटे झूले, बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं, मेरे को बाहर से देखने में ऐसे ऐसे लग रहा था बहुत ही बड़ा झूला है, लेकिन एक ही बड़ा झूला है, बाकी सब तो छोटे बच्चों के, तो भी मैं बैठूंगी आपको दिखाऊं। इसमें मुझे तो
मेरे को तो बस
रहा भाई, इससे से कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो बहुत क्यूट आप। गाइस बिस्किट है, बिस्किट निकाल के खाने। खाओ खाओ खाओ। ये मैंने